पंचकुला द्वारा विवेकानंद स्कूल में प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आयोजन इर्वे सोशल फाउंडेशन पुणे द्वारा आयोजित किया गया। ये विवेकानंद स्कूल के लिए गौरव की बात है कि जिला पंचकुला में इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित 2 स्कूलों में से 1 स्कूल है। कार्यशाला की प्रमुख वक्ता प्रियंका प्रकाश ने प्लास्टिक का घरों से निकलकर हमारे जीवन को अस्वस्थ बनाने का सफर कैसे तय करता है ये बताया। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों द्वारा प्लास्टिक प्रबंधन के बारे में बताया। डॉक्टर प्रवीण चौधरी कोऑर्डिनेटर नगर निगम पंचकुला ने बच्चों को 4 R रिड्यूस रिफ्यूज रिसाइकिल और यूज के बारे में बताया। कक्षा 4th से 8th तक के छात्रों को डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 25 पंचकुला में ले जाकर कचरा निस्तारण व पृथक्करण के बारे में भी समझाया। इनमें बच्चों व कूड़ा उठाने वाले व सफाई कर्मचारियों के साथ वार्तालाप भी किया, जिससे इन्हें पता लगा कि हमें किस किस प्रकार के कूड़े को अलग अलग रखना चाहिए। बच्चों ने अपनी ओर से नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करने व उसका उपयोग छोड़ने का आश्वासन दिया। बच्चों ने अपना अनुभव साझा किया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने उन सभी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के तहत जो ये उत्तरदायित्व है, हम उसमें पूर्ण रूप से सहयोग देंगे ताकि हम प्लास्टिक समाज का सृजन कर सके। आई हूँ जिसका नाम है एल्विस, ठीक है, और हम बच्चों के साथ काम करते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये संस्था एक 12 साल के बच्चे ने शुरू की थी, उसका नाम हार्दिक है। उसको सारे बच्चे मिलके करें तो हम तो हजार लाखों इन्वेंशन कर सकते हैं हमारी दुनिया बचाने, है ना। कंपनी अराउंड प्लास्टिक की है। आप जस्ट 2 मिनट्स और अपने अराउंड देखो क्या क्या प्लास्टिक की चीजें हैं, और चेयर और आईडी कार्ड और मुझसे भी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्यों लगता है ये इतना हमें क्यों आदत सा हो गया प्लास्टिक यूज करना? कोई और ऑप्शन है नहीं? नहीं है ऑप्शन? लकड़ी, आयरन, हाँ, तो करें क्या इस प्लास्टिक का? चलिए हम बात करते हैं 4 R के बारे में, जिसमें से पहला है रिफ्यूज। रिफ्यूज अर्थात मना करना। जिस प्रकार हम बच्चे में अपने माता पिता के साथ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो सब्जी बेचने वाले वहाँ आए होते हैं, वो हमारे को अगर सब्जियाँ देते हैं तो प्लास्टिक की थैली में, इस प्रकार हमारे को प्लास्टिक की थैली लेने से मना कर देना चाहिए और अपने साथ घर से ही कपड़े की थैली लेने जानी चाहिए। परंतु कुछ जगहों पर हमें प्लास्टिक, तो हम प्लास्टिक के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पर हम क्या करें? रिड्यूस। दूसरा, इसका अर्थात कुछ चीजें जैसे दूध की थैलियाँ, हमारे दूध आदि चीजें, हम इनको प्लास्टिक के बिना ले ही नहीं सकते, तो हमें कुछ ही चीजों में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा R, रिसाइकल, अर्थात प्लास्टिक की चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना। जिस प्रकार हम प्लास्टिक की बोतलों को खरीद के इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उनको हमारे यहाँ आने वाले कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए, जिस कारण वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोतलें देकर दे देता है, जो आगे जाकर हमारी सड़कें बनाने के ही जो प्लास्टिक की चीजें हमने यूज कर ली कर चुके हैं, उनको घर के लिए ही इस्तेमाल करना। जिस प्रकार हम प्लास्टिक की बोतलें देते हैं, उनको हम काट कर पौधा उगाने के तथा अपने हैंड स्टैंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। आओ हम सब प्रण लेते हैं, एक बार प्रयोग होने वाले इस प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। धन्यवाद।